नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आप सबके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा, यूनिवर्सिटी के युवा महोत्सव में करेंगे शिरकत, शहर के कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। कानपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गंगा को निर्मल बनाने की अपील की, कहा गंगा सफाई के लिए सभी दल आएं आगे। यूपी के 31,021 केंद्रों पर हो रही टीईटी परीक्षा और परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। और खबरों की ओर विस्तार से बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा आज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा और विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल में करेंगे शिरकत, कई अन्य स्कूलों का भी दौरा कर सकते हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा, कई अन्य स्कूलों का भी दौरा कर सकते हैं डिप्टी सीएम, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर कानपुर से। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा आज और विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल में करेंगे शिरकत, कई अन्य स्कूलों का भी दौरा कर सकते हैं डिप्टी सीएम, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हुमा फोन लाइन पर हैं। हुमा, पूछना चाहूंगी कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा है, क्या लगता है क्या कुछ डे प्लान रहेगा आज डिप्टी सीएम का? बिल्कुल, जो छत्रपति शाहू महाराज के हेलीपैड है वो वहां पर 10 से 40 मिनट पर उनका आगमन है। इसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, यूथ फेस्टिवल में वो हिस्सा ले रहे हैं, इसके साथ ही वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं। और जय नारायण विद्या मंदिर है वहां भी जाएंगे और भी कई स्कूल है जहाँ पर उनका दौरा रहेगा। जी, पूछना चाहूंगी कि ये बताया गया है कि कई अन्य स्कूलों से दौरा करने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि किसी प्रकार की कोई बैठक आयोजित की जाएगी या फिर ऐसे ही कार्यकर्ताओं से उनमें जोश भरने के लिए वो मुलाकात करेंगे? देखिए, किसी खास चीज पर तो बैठक का आयोजन नहीं हो सकता, बस ये चीज है कि हाँ 2019 करीब है और अभी कल कमल संदेश जैसे की यात्रा निकाली है, तो हो सकता है कि 2019 चुनाव के संबंध में किसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। फिलहाल अभी पार्टी कार्यकर्ता जो है कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। जी, पूछना चाहूंगी कल कमल संदेश यात्रा आपने बताया निकाली गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई सभी शहरों में, तो क्या उसकी समीक्षा बैठक भी आज डिप्टी सीएम दिनेश सकते हैं? देखिए, अभी कुछ चीजें सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये सब सारी चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल की जो कमल संदेश यात्रा थी उसकी समीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही मिशन 2019 के लिए और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर भी बैठक हो सकती है, लेकिन क्या कुछ है ये अभी बैठक के बाद ही ये सारी चीजें सामने आएंगी। जी हुमा, पूछना चाहूंगी कि ये जो बैठक हो रही है, अभी आपने बताया कि बैठक के बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन पूछना चाहूंगी कि 2019 का चुनाव बहुत नजदीक है और लगातार डिप्टी सीएम हो या फिर सीएम हो, लगातार कानपुर का वो दौरा कर रहे हैं, कानपुर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार कानपुर पर फोकस है बीजेपी का, कानपुर में ज्यादा प्रभाव डाला जा रहा है, कानपुर की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, इसके साथ ही राजनीति में भी हमेशा ये लाइमलाइट में रहा है, जिसकी वजह से इस बार कानपुर को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लगातार डिप्टी सीएम के दौर में अभी 2 दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शिरकत की थी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और काफी कुछ कानपुर के लिए उन्होंने कहा है, काफी कुछ चीजें देने की बात भी कही है। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि 2019 का चुनाव जो निकट है तो कानपुर को विशेष नजर रखी जा रही है, कई सारी चीजें हैं जो कानपुर के लिए खासतौर पर की जा रही है चुनाव के मद्देनजर। शुक्रिया हुमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा आज, विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल में शिरकत करेंगे, कई अन्य स्कूलों का भी दौरा कर सकते हैं डिप्टी सीएम और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कानपुर से, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा आज। बड़ी खबर कानपुर से, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कानपुर दौरा आज, विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल में करेंगे शिरकत और कई अन्य स्कूलों का भी दौरा कर सकते हैं डिप्टी सीएम, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर कानपुर से।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए सभी दलों को आगे आकर भाजपा का साथ देना चाहिए, क्योंकि सभी दलों में गंगा के प्रति आस्था है। और सबसे अहम बात है कि कांग्रेस को भी भाजपा के साथ मिलकर गंगा के स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये बात नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कही है। भाजपा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा की कमल संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए उमा भारती कानपुर आई। कानपुर का शीशा मऊ का आपको पता ही होगा काम, हमने जो 2016 में उसकी शुरुआत करी थी, जब जोशी जी के साथ मैं बैराज पे आई थी उस समय पे, और अब देखो उसका वो होने ही वाला है, उद्घाटन का समय आने, हाँ उसका समय आने वाला है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा हो गया। वो तो मैं प्रतिज्ञा किए हूँ ना कि ना तो गंगा की आरती करूंगी और ना उधर जाऊंगी जब तक वो पूरा टेप नहीं हो जाएगा। जैसे ही होगा, मुझे नितिन जी ने बुलाया भी था, जो पहला प्रोग्राम हुआ था निरीक्षण के लिए, उसमें मैं आ नहीं पाई थी, हिमालय में थी। मैं उसी दिन गंगा जी की आरती कर दूंगी जिस दिन शीशा मऊ नाला बंद कर दूंगी। मैं उसको अपना दुश्मन मानती हूँ, उसी ने हमारी छवि खराब की पूरी दुनिया में, क्योंकि वो नाला इतना गंदा दिखता था और मैं स्टीमर से जब उसको देखती थी तो नाला लगता था मेरे बिल्कुल सीने पर बह रहा है वो। क्या मानती है जब नाला टैप हो जाएगा तो वहीं जाके आरती करूँ, वहीं जाके वहाँ पुष्प बरसाऊंगी और आरती करूँगी। कानपुर घाटमपुर के सजेती थाना के अंतर्गत असवार मऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक के ससुराल के पास ही गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थिति में उसके छोटे भाई का शव जंगल में पेड़ पर लटकता हुआ मिला, और जिसके चलते पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक अनिल दिवाली में सूरत से अपने घर आया हुआ था और अनिल सूरत में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के करगुआ में दबंगों ने छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया, और जब छात्रा के पिता ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे जमकर पीटा और धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां ने पूरे वाक्य की जानकारी दी और कहा कि जब मामले की शिकायत करने थाने गए तो वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी विनोद कुमार ने बताया कि एक छात्रा का अपहरण करने के प्रयास का मामला आया है और जिसमें ये बात बताया गया है कि पड़ोसी द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा है और फिलहाल मामला आपसी विवाद का लग रहा है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्यवाही की जाएगी। ये खबर झांसी से, जहां दबंगों ने किया छात्रा को अगवा करने का प्रयास और विरोध करने पर पिता को जमकर पीटा। ये खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कुछ दबंग छात्रा को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे और पिता ने इसका विरोध किया तो उसे पीटा। या भी चार पांच लड़का हैंगे, वो हमसे कह रहे थे गाड़ी में बैठा लिया जबरदस्ती और कहने लगी मेरे साथ चलो, तो मेरे पापा आए तो फिर उन्होंने कहा तो उनके साथ मारपीट कर दी। ये मेरी माँ है, देखो इसकी। हाँ, कब की बात है? आज ही की। कौन लोग से बोले? राम, आकाश और एक और आकाश और पुष्पेन और कुलदीप साहू। कौन सी जगह की बात है? करगुआ की। आज जो हाल हमारी बच्चे के साथ हो रहा है, सुसाब हम पे रहेंगे और हम लोग उनको मारा पीटा है, हम बहुत परेशान है, ना गाँव में बन जाए ना कभी ना दरोगा जी सुन रहे, दरोगा जी को रिपोर्ट दी तो गंदे भी फेंक दी।
झांसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कुछ दबंग छात्रा को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे कि तभी पिता ने विरोध करने का प्रयास किया तो दबंगों ने पिता को जमकर पीटा और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां कुछ दबंग एक छात्रा को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे और जब पिता ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने पिता को जमकर पीटा। वहीं पीड़ित पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा आज है और शहर में बनाए गए 264 परीक्षा केंद्र। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, यूपी टीईटी की परीक्षा आज, सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और 61,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, कैमरों से निगरानी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, यूपी टीईटी की परीक्षा आज और 61,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, कैमरों के द्वारा निगरानी की जा रही है, परीक्षा की निगरानी, कड़े इंतजाम परीक्षा के चलते। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हुमा आलम फोन लाइन पर हैं। हुमा, पूछना चाहूंगी क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर? हुमा, पूछना चाहूंगी कि आज यूपी टीईटी की परीक्षा है, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 64 केंद्रों पर 61,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दो पालियों में परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे से परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात की जाए तो खास इंतजाम किए गए हैं, 64 पर्यवेक्षक तैयार किए गए जो अलग अलग जगहों पर तैनाती रहेगी। इसके साथ ही 21 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और वीडियोग्राफी, परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी भी विशेष तौर पर कराई जाएगी। जी हुमा, पूछना चाहूंगी कि अगर परीक्षा केंद्रों के बाहर की बात की जाए तो अभी 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो उससे पहले आपने वहां पर लोगों के बीच में कैसा माहौल देखा, परीक्षा को लेकर लोगों में दबाव देखने को मिला क्या किसी प्रकार का? लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराए जाने के इंतजाम किए गए हैं। काफी कुछ लोगों में किसी तरह का कोई दबाव नहीं नजर आ रहा है, काफी इंतजाम है, सुरक्षा बल मौजूद है। इसके साथ ही जो परीक्षार्थी हैं उनमें भी थोड़ा घबराहट है परीक्षा को लेकर, क्योंकि कुछ चीजें हैं परीक्षा में इस बार जी, जो कुछ चीजों में बदलाव किया गया है, जिसे देखते हुए उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय है। लेकिन परीक्षा होने के बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी कि किस तरह की पिछले समय की अपेक्षा देखा जाए तो किस तरह की इस बार की परीक्षा रही है। जी पूछना चाहूंगी हुमा कि अक्सर हम देखते हैं परीक्षा में कई ऐसे लोग, मुन्ना भाई जिनको हम कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं, तो उनसे बचने के लिए और उस इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके परीक्षा में, इसलिए क्या कुछ खास तैयारी? आपने बताया कि सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, और परीक्षा केंद्रों के बाहर कैसी तैयारी की गई है मुन्ना भाइयों से बचने के लिए? जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों की तैनाती बाहर की गई है, इसके साथ ही मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, फ्लाइंग स्क्वाड भी रहेगा और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, विशेष तौर पर जब कॉपियां की सील खोली जाएगी उसके बाद और कॉपियां जमा कराते टाइम भी विशेष तौर पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षाओं की पारदर्शिता को देखते हुए ये सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि इन दिनों कई सारी पिछले दिनों की परीक्षाएं हुई है, इसमें पेपर लीकेज जैसी कई तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की दिक्कतें सामने आई हैं, जिसे देखते हुए टीटी को परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कराए जाने के इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया हुआ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर कानपुर से, यूपी टीटी की परीक्षा आज और शहर में 64 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र, 61,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से, यूपी टीटी की परीक्षा आज और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए जेबी न्यूज।
अरे भाई तैयार हो जाओ, 3 घंटे में फ्लाइट है, 3 फंक्शन है बॉस। मेरा तो सब सेट है। और आप? ला मिलियार्डो, स्पेशल मोमेंट्स फॉर एवरीवन। पवन गुप्ता को भाजयुमो का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कानपुर शहरवासियों की ओर से हार्दिक बधाई। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी, सिर्फ खबर फिल्मी का। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant Eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and... ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से नेहरू इंदिरा स्मृति सप्ताह के अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और जिसके अंतर्गत कानपुर उर्सला अस्पताल में फल वितरण किया गया है। आपको बता दें कि नगर अध्यक्ष प्रकाश अग्निहोत्री ने बताया कि ये पूरा सप्ताह नेहरू इंदिरा स्मृति के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करने के साथ ही नेत्रदान भी किया गया था, जिनमें 51 कार्यकर्ताओं ने नेत्रदान किया।
मरीजों को पौष्टिक आहार का वितरण किया है। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक नेहरू इंदिरा स्मृति सप्ताह के अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि लेते हुए हम लोगों ने इससे पहले अंध विद्यालय में भी बच्चों को पौष्टिक आहार का वितरण किया था। कल हम लोगों ने 51 लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेत्रदान करके जो अंधता का जीवन जी रहे हैं उनकी रोशनी ज्योति जो है देने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया और नेत्रदान किया। आज उर्सला के इमरजेंसी में पौष्टिक आहार का वितरण करके इस सप्ताह को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। 19 नवंबर को होने वाली देव दीपावली को इस बार शहर के घाटों का नजारा काशी जैसा होगा और प्रमुख रूप से सरसैया घाट पर बड़ा कार्यक्रम करवाया जाएगा। मंडलायुक्त सुभाष चंद्र ने निरीक्षण के दौरान बताया है कि प्रशासन का पूरा प्रयास होगा कि शहरवासियों को काशी जैसा आनंद मिले। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त संतोष शर्मा और केडीए सचिव केपी सिंह मौजूद रहे। आप सब लोग अवगत होंगे कि 19 तारीख को देवोत्थानी एकादशी पड़ रही है। इसमें लाखों की संख्या में कानपुर के विभिन्न घाटों पर, गंगा जी के घाटों पर तीर्थयात्री आते हैं। हम लोग उनके लिए और भी अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। सभी घाटों पर लाइटिंग होगी और लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे। हमने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को भी इन सब कामों में सहयोग करने के लिए उनका आह्वान किया है। NGOs के लोग भी इसमें काम करेंगे। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन गुजैनी में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी शिविर में बुलाया गया। कानपुर के कुशल डॉक्टरों के पैनल में इस मेले का आयोजन किया गया और मेले में सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया और उनसे बचने के उपाय भी बताए गए। शिविर में लगभग 1900 बच्चों और उनके माता पिता की जाँच की गई और पिछले 6 वर्षों से हो रहे इस कैंप की खासियत है कि बच्चों के अलावा उनके गार्जियंस और आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलता है। शिविर में 19 डॉक्टरों को आरोग्य भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टरों में अवध दुबे, डॉक्टर मनीष वर्मा, डॉक्टर विकास शुक्ला, डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर अंकित गुप्ता और विद्यालय के सिद्धार्थ दुबे, सौमित्र दुबे, प्रधानाचार्य ज्योत्सना मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। विद्या निकेतन गुजैनी पिछले 6 वर्षों से कानपुर के एसोसिएट डॉक्टरों के सहयोग से हम नियमित रूप से एक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और लगभग 20,000 से 25,000 लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को उसका लाभ मिलता है। तक मेरे ख्याल से 1900 से ज़्यादा लोगों का, क्योंकि सुबह 8 बजे से परीक्षण शुरू हो गया था। और इसके अतिरिक्त जो शहर के तमाम सारे जो लोग वो नहीं कर पाते हैं, वो लोगों को, सबको हम लोगों ने ये सुविधा प्रदान की। कानपुर के चिड़ियाघर में सर्दी का मौसम आते ही हिमालयन पक्षियों ने आना शुरू कर दिया है और हिमालयन पक्षी सर्दी की शुरुआत में आ जाते हैं और मार्च तक यहां पर रहते हैं और प्रजनन के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मार्च के महीने में उड़ जाते हैं। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर की झील में पेंटेड स्टार्क, स्टिल्ट, ब्लैक हेडेड आइबिश, टील्स और गूज का बसेरा हो चुका है और इसमें ज़्यादातर हिमालय की ओर से आने वाले पक्षी हैं। ये पक्षी अब यहाँ पर प्रजनन करेंगे और अपने चूजों को जन्म देंगे। वहीं इस बार पक्षियों की संख्या काफी कम है। पिछले कुछ सालों से पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। इससे पहले विदेशी पक्षी भी आते थे पर जानकारों की माने तो शायद उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल पाने की वजह से विदेशी पक्षियों ने आना बंद कर दिया है और बाकी भी इस बार पक्षियों की संख्या काफी कम है। शुरुआत होते ही कानपुर के चिड़ियाघर की बनी झील में हिमालयन पक्षियों का आना शुरू हो गया है। ये हिमालयन पक्षी शुरुआती सर्दी में यहाँ पर आकर अपना बसेरा बनाते हैं और मार्च तक यहाँ रुकते हैं। इससे पहले के कई सालों में यहाँ पर विदेशी मेहमान भी आते थे जिनमें साइबेरियन प्रमुख रूप से शामिल था, पर मौसम बदलने और वातावरण का जो माहौल है, जो प्रदूषण फैल रहा उसे देखते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों का आना बंद हो गया। और अब कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ हुमा आलम, JMD न्यूज़, कानपुर।
और अगली खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर एक चलती कार आग का गोला बनी। बड़ी खबर कानपुर से, चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ततियागंज की पूरी घटना। बड़ी खबर कानपुर से, चलती कार में आग लगी और कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी और चौबेपुर थाना क्षेत्र के ततियागंज का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर कानपुर से। बड़ी खबर कानपुर से, चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ततियागंज की पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, चलती कार बनी आग का गोला और कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी और चौबेपुर थाना क्षेत्र के ततियागंज की पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। बड़ी खबर कानपुर से, चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी। चौबेपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, चलती कार बनी आग का गोला। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर हैं। अनिल, पूछना चाहूंगी आखिर क्या कारण रहा कार में आग लगने का? जी आपको बता दें, पूरा परिवार करीब एक सप्ताह पूर्व दिल्ली किसी काम से गया था। कल देर रात जो है पूरा परिवार दिल्ली से कानपुर के लिए निकला था। तभी कार अभी चौबेपुर के तातेगंज में आकर पहुंची हुई थी। तभी शॉर्ट सर्किट के कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे जो है आग लग गई। परिवार ने किसी तरह जो है कूद कर अपनी जान बचाई और आग आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में लिया, जिसके कारण कार पूरी जो है जलकर राख हो गई। जी पूछना चाहूंगी कि कार में जो लोग सवार थे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं क्या? जी आपको बता दें, कार में जो लोग सवार थे कूदते समय उनको हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन किसी की भी कोई गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, और चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में भीषण आग लगी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ततियागंज की पूरी घटना। बड़ी खबर कानपुर से। और फिलहाल खबरों को इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।